नमस्कार किसान भाई साथियों, आज माह का आखिरी दिन 29 फरवरी 2024 की आज की आवकों की रिपोर्ट जानते। सबसे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों को सूचना देना चाहूँगा कि मंडी प्रशासन के आदेश अनुसार कल जो निर्णय लिया गया है, टू व्हीलर बाइक को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक घंटे का जो प्रवेश मिल रहा था वो भी अब बंद कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों बिल्कुल भी टू व्हीलर बाइक को मंडी के अंदर लहसुन की स्थिति बता रहा हूँ दोस्तों, तो लहसुन के टू व्हीलर बाइक पर जो भी कृषक बंधु अगर लहसुन लेकर आना चाहता है उनको बिल्कुल भी प्रवेश मंडी के अंदर नहीं दिया जाएगा। अभी गेट की स्थिति मैंने आपको इससे पहले लाइव मंडी के गेट से ही बताया था कि जिस प्रकार की स्थिति मंडी के गेट पर देखने को मिली थी मुझे, तो मैंने वहीं से आपको लाइव स्थिति बताने का प्रयास किया था। अभी भी मैं अखबारों आपको सूचित करना चाहूँगा कि मंडी के अंदर टू व्हीलर बाइक को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। लहसुन लेकर जो भी किसान बंधु आना चाहते हैं तो उनको प्रवेश बंद है दोस्तों। अगर आप घर से निकलते तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अपने साथी दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको भी जानकारी दीजिएगा कि मंडी के अंदर टू व्हीलर बाइक को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं मिल रहा है। गेट पर अभी भी बाइकें प्रतीक्षा में खड़ी है दोस्तों। मैंने कल शाम को ही आपको अपडेट दिया था कि मंडी के अंदर बाइकों को प्रवेश मंडी के अंदर नहीं दिया जाएगा, तो वैसे ही हुआ। और अभी की मंडी के आवकों की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि और मंडी के अंदर तो पूरी तरह से फुल है। और स्थिति बता देता हूँ मैं आपको कि मंडी के गेट की क्या स्थिति है। तो गेट पर भी 250 से 300 वाहन अभी हाल फिलहाल में प्रतीक्षा में खड़े हैं दोस्तों, जो कि मैं स्थिति देख रहा हूँ। इसके बाद में अगर आप घर से निकलते हो निर्णय लीजिएगा दोस्तों खुद ही। बाकी जानकारी बता देना चाहूँगा कि 250 से 300 वाहन अभी भी मंडी के गेट पर पीछे वाले गेट पर प्रतीक्षा में खड़े हैं। लेकिन बाइक वाले किसान बंधु इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाइक पर लहसुन लेकर मंडी में अगर आते हैं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो आप इस प्रकार के अनावश्यक परेशानी से आप बचिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार जानकारी देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दलदा मंडी से सारी जानकारी देख पाएँ।